मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर एक विज्ञप्ति प्रकाशित हुई है। यह सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन जो कल्याण विभाग है उससे संबंधित है। एक्चुअल में इसको देखकर आप ये समझ सकते हो कि आगामी जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के जो परिणाम जारी होने वाले हैं, चाहे वो अंतिम सूची हो या मुख्य परीक्षा, वो सभी 87% और 13% के हिसाब से ही जारी होंगे। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि इनको जो सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग का रिजल्ट इनको जारी करना था, इसलिए इन्होंने पोस्ट में अमेंडमेंट किया है। और जो 13% सीट्स हैं उनको काल्पनिक रूप से माना गया है, और जितनी अभी सीट होगी ज़्यादा उन पे परिणाम जारी किया जाएगा, यानी कि 87% पे फाइनल परिणाम जारी कर दिया जाएगा और 13% की जो सीट्स हैं उनको होल्ड कर दी जाएगी तब तक जब तक ओबीसी रिजर्वेशन का फाइनल वर्डिक्ट जो है नहीं आ जाता। यहाँ समझना होगा कि फाइनल वर्डिक्ट अब पता नहीं कब आएगा, तब तक ये 13% जो एक्स्ट्रा बच्चे हैं इनको लटकना पड़ेगा बहुत टाइम के लिए, है ना। तो ऐसा हो सकता है कि इसमें काफ़ी लंबा समय खींच सकता है। इससे नोटिस को देखने के बाद आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि चाहे वो सिविल सर्विस परीक्षा हो, चाहे फॉरेस्ट सर्विस हो, इन सब में जो होगा पोस्ट में अमेंडमेंट किया जाएगा, तत्पश्चात रिजल्ट्स को घोषित किया जाएगा। सेम उसी प्रकार से सारे के सारे एग्ज़ाम में ऐसा प्रोसेस अपनाया जा सकता है। इसको देखकर आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। नेक्स्ट अपडेट पाने के लिए आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को। बहुत बहुत धन्यवाद।